जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी ने हमारे पहले वीडियो में इंडियन आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स के बारे में जाना, लेकिन आर्मी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडियन आर्मी की उन सर्विसेज को जो बैटलफील्ड के बाहर भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और आर्मी को एक अनबीटेबल फोर्स बनाते हैं। अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया तो उसे जरूर देखें। और अब चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं उन सर्विसेज कोर के बारे में जो आर्मी के लिए एक स्ट्रांग बैकबोन का काम करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं आर्मी सर्विस कोर ASC की। दोस्तों इनका काम वॉर के समय और शांति के समय सैनिक और सामान का ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये कोर राशन, फ्यूल और दूसरे सप्लाईज भी प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों आर्मी सर्विस का काम सिर्फ राशन और फ्यूल का ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं होता। ये कोर सोल्जर्स के लिए हर जरूरी सप्लाई का अरेंजमेंट करती है, जैसे कि यूनिफॉर्म, मेडिकल सप्लाईज और एम्युनिशन। साथ ही वॉर के दौरान ये कोर फ्रंट लाइन्स तक सप्लाईज पहुँचाने के लिए जिम्मेदार होती है। वहीं नेक्स्ट है आर्मी मेडिकल कोर AMC। दोस्तों इनका काम आर्मी पर्सनल्स को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इसमें हॉस्पिटल्स, मेडिकल यूनिट्स और एम्बुलेंस सर्विसेज शामिल है। आर्मी मेडिकल कोर न सिर्फ हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं बल्कि बैटलफील्ड पर भी मेडिकल सपोर्ट देते हैं। इसके डॉक्टर्स और नर्सेस कॉम्बैट जोन्स में भी अपनी सर्विसेज देते हैं और ये कॉम्बैट मेडिक्स को ट्रेन भी करते हैं। वहीं नेक्स्ट है आर्मी डेंटल कोर ADC। दोस्तों इनका काम आर्मी पर्सनल्स के लिए डेंटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ये कोर डेंटल क्लिनिक्स और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ऑपरेट करते हैं। वहीं नेक्स्ट है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर AOC। दोस्तों इनका काम वेपन्स, एम्युनिशन और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट का स्टोरेज देखना, साथ ही मेंटेनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना होता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर को आर्मी का बैकबोन माना जाता है और ये AOC सप्लाई चेन मैनेज भी करते हैं, जिससे कि सोल्जर्स को हर वक्त जरूरी इक्विपमेंट मिलता रहे। वहीं नेक्स्ट है कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME। दोस्तों इनका काम आर्मी के वेपन्स और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और रिपेयर करना होता है। साथ ही ये कोर टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। EME कोर के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस आर्मी के हर टेक्निकल इक्विपमेंट को मेंटेन और रिपेयर करते हैं, जैसे टैंक्स, एयरक्राफ्ट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनका रोल आर्मी के हर ऑपरेशन में क्रूशियल होता है। वहीं नेक्स्ट है रेमाउंट एंड वेटरनरी कोर RVC। दोस्तों इनका काम आर्मी के एनिमल्स जैसे घोड़े और कुत्तों की केयर और ट्रेनिंग करना होता है। ये कोर एनिमल हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। साथ ही ये कोर एनिमल ब्रीडिंग और रिसर्च प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जो कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट रोल्स में आर्मी की हेल्प करते हैं। वहीं नेक्स्ट है आर्मी एजुकेशन कोर AEC। दोस्तों इनका काम आर्मी पर्सनल्स के एजुकेशन और ट्रेनिंग को मैनेज करना होता है। साथ ही ये कोर एजुकेशनल कोर्सेस और प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती है। ये हायर एजुकेशन और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करती है, जो कि फ्यूचर लीडर्स प्रिपेयर करते हैं। वहीं नेक्स्ट है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP। दोस्तों इनका काम मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। साथ ही CMP ट्रैफिक कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी ड्यूटीज भी परफॉर्म करते हैं। इनका रोल वॉर टाइम और पीस टाइम दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ये कोर मिलिट्री पर्सनल्स के डिसिप्लिन और कंडक्ट को इंश्योर करती है। वहीं नेक्स्ट है पायोनियर कोर। दोस्तों इनका काम कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन और फील्ड इंजीनियरिंग टास्क परफॉर्म करना होता है। ये कोर जनरल लेबर और सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। साथ ही ये कोर स्पेशल मिशंस के दौरान माइन फील्ड्स क्लियर करना और ब्रिजेस बनाने का काम भी करती है। वहीं नेक्स्ट है आर्मी पोस्टल सर्विसेज कोर APS। दोस्तों इनका काम आर्मी के लिए पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इसमें लेटर्स, पार्सल्स और दूसरे मेल आइटम्स की डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होता है। वहीं नेक्स्ट है टेरिटोरियल आर्मी TA। दोस्तों इनका काम सिविलियन वॉलंटियर्स जो इमरजेंसी और वॉर टाइम ड्यूटीज के लिए ट्रेन किए जाते हैं। साथ ही ये कोर रेगुलर आर्मी को सपोर्ट भी करती है। वहीं नेक्स्ट है डिफेंस सिक्योरिटी कोर DSC। दोस्तों इनका काम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स और इंस्टॉलेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। साथ ही ये कोर रिटायर पर्सनल्स को रिक्रूट करता है। इनका रोल पीस टाइम में भी इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ ये मिलिट्री बेसिस और अदर सेंसिटिव लोकेशंस की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। वहीं नेक्स्ट है इंटेलिजेंस कोर। दोस्तों इनका काम मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर करना होता है। साथ ही ये कोर एस्पियोनाज यानी जासूसी और काउंटर एस्पियोनाज ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। वहीं नेक्स्ट है जज एडवोकेट जर्नल्स डिपार्टमेंट JAG। दोस्तों इनका काम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इसमें मिलिट्री लॉ और जस्टिस का इम्प्लीमेंटेशन शामिल होता है। ये कोर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स और जस्टिस इंश्योर करती है, जो मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए एसेंशियल है। वहीं नेक्स्ट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNS।
दोस्तों इनका काम आर्मी हॉस्पिटल्स और मेडिकल यूनिट्स में नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना होता है और ये कोर ट्रेंड नर्सेस को रिक्रूट करता है। एमएनएस कोर के नर्सेस न सिर्फ आर्मी हॉस्पिटल्स में काम करती हैं बल्कि कॉम्बैट जोन्स में भी अपनी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों ये सभी सर्विसेज और कोर मिलकर इंडियन आर्मी को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं जो देश की सुरक्षा और सेवा के लिए काम करते हैं। वहीं दोस्तों अगर अभी तक आपने कॉम्बैट आर्म्स की वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें। वैसे इनमें से आपका पसंदीदा कोर कौन सा है जिसमें आप जाना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।